जब बढ़ती है मेरठ की गर्मी, तब सुकून देती है वो प्रयाग की ठंडी सी शाम, लखनऊ की वो नबाबी और गोरखपुर में विराजित गोरखधाम। इन सभी रंगों का आनंद सिर्फ हमारी उत्तर प्रदेश से पुलिस ही ले सकती है, लेकिन ये मौका आपको भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश से पुलिस में सिपाही बनने का सपना देख रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से पुलिस को आवश्यकता है 52,000 से भी अधिक पुलिस कर्मियों की, जिनके सिलेक्शन की जिम्मेदारी एक बार फिर ली है आपके अपने एसएससी मेकर परिवार ने। उत्तर प्रदेश से पुलिस की सबसे बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एसएससी मेकर लेकर आया है सिपाही बैच, जो देता है आपको उत्तर प्रदेश से पुलिस में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सिपाही बैच और करें उत्तर प्रदेश पुलिस में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े हैं और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए। यहां पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहां पर करेंगे। एक बार आप इस सभी क्लास को जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो कुछ भी नया आपको यहां मिले उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि किसी भी तरह की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, आपके सामने है स्वेज नहर, जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है? इनमें से कौन सा देश है जिसमें जो है ये नहर बनाई गई है? बेसिकली इसे बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, किसका? स्वेज नहर का। आज वर्तमान में किस में है ये आपको बताना। बहुत अच्छे, वैष्णव, केशव, मेनका, रोहिणी, संजय, सुरजीत, रूहू, सेजल, अमीरुल, हां पम्मी, दीपिका। अच्छा अभी, बहुत अच्छे। लाइक तो कर सकते हो, हां चंद्रभान, अब्दुल, ठीक है, सुमेश, अजय, रूहू, आकाश, तौफीक, सुरजीत, देवांशु, चंद्रशेखर। चलिए, है ना, जो स्वेज नहर है ये वाणिज्य रूप से, मतलब बेसिकली कहें तो इकोनॉमी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा एक राज्य, कौन सा एक देश है जहां पर ये नहर है। अगर देखा जाए आपका तो ये कुछ यहां है ना, ये क्या, ये है अफ्रीका, ठीक है, और ये क्या है, फिर ये यूरेशिया वगैरह, मतलब सॉरी अरेबियन पेनिनसुला, इटली वगैरह, स्पेन और यूरोप, यहां बनी है ये नहर। कहां पर है? यहां पर है। ये है मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर। क्या है? ये है भूमध्य सागर और ये है आपका लाल सागर। कभी भी पूछे किसे जोड़ती है तो याद रखिएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। किसको? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। ये याद रखिएगा, है कहां पर? ये है मिस्र में। कहां पर? ये है मिस्र में, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर है? मिस्र में है। मिस्र ने इसका 1955 में या 56 के समथिंग में राष्ट्रीयकरण कर लिया था। क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था, तो यह याद रखिएगा। एक चीज और जो आपको यहां पर याद रखनी है, और वो क्या है, वो ये कि 1869 में यह बनकर तैयार हुई थी, और इसकी वजह से जो पहले यूं घूमकर जाते थे तो इस तरह से कम लगभग 7,000 किलोमीटर जो है, इतने लगभग जो है दूरी जो है वो कम हो गई थी, इतनी दूरी जो है ये कम हो गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलो, इतना समझ गए, समझ में आया। इसी के साथ एक और नहर है, पनामा नहर। कौन सी है? एक नहर और है, पनामा। जरा बताओगे किन दो महासागरों को जोड़ती है? जो पनामा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है वो आपको बताना है।
आगे, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? इनमें से जो कराची अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का 1943 में, कई बार पूछ लेता 1943 में कौन सा अधिवेशन हुआ, तो याद रखना कराची अधिवेशन हुआ था। कौन सा? कराची अधिवेशन हुआ था 1943 में। और इसने नारा कौन सा दिया था, इसमें मुस्लिम लीग ने नारा कौन सा दिया था? जय जवान जय किसान, बांटो और राज करो, करो या मरो, बांटो और छोड़ो। विच स्लोगन वाज गिवन इन द कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1943? 1943 में कौन सा नारा दिया गया था वो आपको बताना। बताओ जरा कौन सा नारा दिया गया था, है ना? क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इन्होंने दिया था बांटो और छोड़ो। इन्होंने अंग्रेजों से कहा था कि पहले इस देश को बांटो और उसके बाद छोड़ो, ठीक है। जय जवान जय किसान ये है लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। बांटो और राज करो ये तो अंग्रेजों ने ही दिया था, इन्होंने नीति अपनाई थी। क्या है, इंग्लिश नीति है ये, अंग्रेजों की नीति है ये, याद रखना। यह दिया है महात्मा गांधी ने कब, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। किसके? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यह याद रखना, ठीक। आगे, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है यह स्थित है इनमें से कौन सी एक जगह पर, वो पूछ रहा है। हैदराबाद, थुम्बा, कलपक्कम, मुंबई। द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है यह स्थित है इनमें से कहां पर, वो बताना। तीसरा है, बता जल्दी से फटाफट, ठीक। यार मेरे को आइडिया नहीं है इस बारे में, पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक्चुअल में इसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है प्रॉपर, ठीक है, है ना। चलो मैं आज देख के कल कंफर्म कर दूंगा आपका, है ना, जो भी है, ठीक। क्या हो जाएगा, तो उसे तो हमें वैसे ही भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तो बाकी के जो है जैसे लेखपाल हो गया आपका, या मान लो युवा विकास अधिकारी हो गया, किसी और के अगर एग्जाम आएंगे तो कैसे दोगे, बिना पैट के कैसे दोगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी यानी कि थुम्बा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थुम्बा, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, कौन से वायसराय था इस समय, इस समय वायसराय कौन सा था वो आपको बताना है। दिल्ली दरबार तीसरे हुए, ये है आपका दूसरा, ये कौन सा है, दिल्ली की आधारशिला रखी, अच्छा 1911, ये तीसरा है। पहला और दूसरा ये कब कब हुए, जो दिल्ली दरबार 1911 में था ये तीसरा था, कौन सा था, तीसरा था। पहला और दूसरा कब हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। अच्छा बताओ इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक, हाँ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इस समय मतलब इनमें से किसने जो है दिल्ली की आधारशिला रखी थी, तो आधारशिला इनमें से रखी थी जॉर्ज पंचम ने। जॉर्ज पंचम स्वयं भारत आए थे, जब ये भारत आए थे इसी उपलक्ष में जो है आपका जो कौन सा गेट है, कौन सा बोलते हैं उसे, जो मुंबई में है, एक तो इंडिया गेट दिल्ली में है, मुंबई में एक और गेट है, क्या बोलते हैं उसे, गेटवे ऑफ इंडिया, कौन सा, गेटवे ऑफ इंडिया, इसकी नींव भी रखी गई थी इसी समय, ठीक है, ये याद रखना। पहला और दूसरा कब हुआ है ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है, पहला और दूसरा जो है ये कब हुआ है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। प्रशांत, अर्णव, सीमा, कुलदीप, राज शुक्ला, आदेश, अभी, ठीक। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, लखनऊ में 1857 का विद्रोह इनमें से किसने किया, वीर सावरकर, बेगम, हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। Who led the revolt of 1857 in Lucknow? बताओ। Gateway of India बनके कब तैयार हुआ? 1877 और 1903। बहुत अच्छे। पहला हुआ है 1877, दूसरा हुआ है 1903। पिंकू और एक और व्यक्ति था जिन्होंने बताया। आप ही बता दो। अरे मैं ही बता दूंगा तो मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? पूछ तो मैं तुमसे रहा हूँ ना। तुम बताओ, मैं तो बता ही दूंगा। ठीक। अच्छा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, अब अगर मैं बात करूं लखनऊ का तो यह किया है बेगम हजरत महल ने। कुंवर सिंह ने किया है बिहार का, बिहार में भी एक जगह है, कौन सी, जगदीशपुर, कौन सी, जगदीश
पोस्ट उसने। तात्या टोपे सहायक थे किसके? तो याद रखिएगा, एक तो नाना साहेब के, जिन्होंने नेतृत्व किया था कहां से? कानपुर से। और एक रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने नेतृत्व किया था कहां का? झांसी का, है ना। इन दोनों के सहायक थे कौन? तात्या टोपे। इन दोनों के सहायक थे कौन? तो याद रखिएगा, तात्या टोपे। आगे, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्म और कृष्ण गोपियां। इन द इंडियन डांस फ्रॉम फॉर मणिपुरी मोस्टली द थीम्स बेस्ड ऑन विच वन आर डिपिक्टेड? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा और कृष्णा गोपीस। बताओ, मणिपुरी जो है ये किस प्रसंगों पर आधारित है? मणिपुरी मणिपुर का है, शास्त्रीय नृत्य। इसके दो नाम और हैं, और वो दो नाम का है, इनमें से एक मैं बता देता हूं, जोंगोई। जोंगोई एक नाम है इसका। दूसरा नाम और क्या है? बेसिकली इसकी दो नृत्य शैलियां, एक जोंगोई और एक और। और कई बार जो है इस नाम से पूछता है कि ये किसका नृत्य है, या किस नृत्य को इस नाम से भी जानते हैं वो, ठीक है। तो वो याद रखना है ना, ठीक। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी, कृष्ण और गोपियां। क्या हो जाएगा? कृष्ण और गोपियां। तो ये याद रखिएगा। चलो, तो माई कमी रह गई थी बस, है ना। आगे, आप विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत, ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती है? विश्व की सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती है? नीलगाय, भेड़, लामा या तिब्बती मृग? द बर्ड्स लाइटेस्ट वूल शहतूत वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ दीज? मतलब इनमें से किस एक से शहतूत ऊन प्राप्त होती है वो बताना। कुलदीप, संजय पाल, गौतम यादव, शिवा पाल, ऋतु, सीमा, तरानी, दीपक पूर्वी, रिंकी, आकाश, सेजल, प्रियंका। बहुत अच्छे, बताओ जरा क्या हो जाएगा। बताओ, भगवान की बनाई हुई रचना का विरोध कर रहे हो तुम। कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। ज्योति सोरेन, रतन, शिवा, आदिवासी। बहुत अच्छे, अनु लावे। बताओ भाई, विश्व में सबसे हल्की ऊन शहतूत ऊन इनमें से किससे प्राप्त होती है? ठीक, बढ़िया है ना। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, यह प्राप्त होती है तिब्बती मृग से। किससे यह प्राप्त होती है? आपका तिब्बती मृग से, यह याद रखना। ठीक है, ठीक, आगे। अच्छा, लामा कहां पाया जाता है बताओगे? और ये किस यूज में आता है ये भी बताओ। लामा कहां पाया जाता है और किस यूज में आता है? उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर उगादी उत्सव मनाते हैं? क्यों, मतलब ये वाला क्यों नहीं, क्यों वाला क्यों? उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और ये उगादी उत्सव है क्या, ये बताओ। लीजेंड छोरा, क्या तकलीफ है तुमको भाई? यार तुम प्रॉब्लम लिखा करो। देखो मेरी बात मानो, देखो तुमको प्रॉब्लम है। देखो पता है क्या, कई बार ऐसा होता है कि जो, मतलब मैं अपनी तरफ से सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। देखो देखो, पता है क्या, कॉल्स ना बहुत आते हैं, बहुत कॉल्स आते हैं, बहुत से बच्चों की दिक्कत होती है। कई बार दिक्कत ये होती है ना, बच्चों की खुद की दिक्कत होती है, और उसके लिए ना बच्चे कॉल सेंटर पर ब्लेम करते हैं कि ये हो गया, वो हो गया। पहली बात तो ये, अगर तुमको कोई दिक्कत है ना,
तो यहाँ लिख कर बताओ कि सर जी ये दिक्कत है या हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एटलीस्ट मेरे को पता रहेगा कि क्या दिक्कत है और उसको मैं सॉल्व करवा लूंगा, है ना। अब तुम मेरे को दिक्कत नहीं बताओगे, बस ये हुआ, मतलब उसमें समझ रहे हो ना, मतलब मुझ तक अगर आए हो, अगर प्रॉब्लम लेकर आए हो, यहाँ कमेंट सेक्शन में लेकर आए, तो कम से कम प्रॉब्लम लिखो, मैं पढ़ लूंगा, समझ लूंगा और जाके मैं उसका समाधान कर दूंगा। नहीं, बस अब प्रॉब्लम भी मुझे पता नहीं चलेगी और चलते रहो, ऐसा नहीं है। देखो अगर तुम कहो तो मैं अभी चला के दिखा दूं। देखो पता नहीं क्यों आपके में ये दिक्कत आ रही है, पर अगर देखो, अरे इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, गुलशन सर ने ऑन कर लिया होगा। चलो देखो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल रहा, चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं लेनी, ठीक है। जो आपका ऐप है वो चल रहा है प्रॉपर, अभी मैंने चेक किया, उसमें मैं वो चेक कर रहा था आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह, जो 10 MTS के टेस्ट है ना वो पढ़े, अभी अभी चेक किया मैंने, जस्ट क्लास शुरू होने से पहले, तब तक तो चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है बस वो मुझे बता दो, है ना, और फिर बता दो जो चल रही है, मैं कब से कर लूंगा, ठीक। उगादी जो है ये दक्षिण का है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश में यह मनाया जाता है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में जो है ये मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है वो आपको बताना। अरे बताने की चीज थोड़ी है। आगे जीईओ का पूर्ण रूप क्या है, जियो स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जियोग्राफिकल अर्थ ऑर्बिट और जियोग्राफी अर्थ ऑर्बिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीईओ, जीईओ की जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो आपको बताना, बताओ। बढ़िया चल रहा है, देखो बच्चे तो लिख रहे हैं कि चल रहा है, तुम्हारे में हो सकता है, एक बार पता, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक बार नंबर नोट कर लेना जो तो आपका है, और उसके बाद ना उसको एक बार हो सके तो मतलब लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो, है ना। कई बार होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपकी दिक्कत है, कई बार होता है नहीं चलता, सिस्टम है, फोन तो एक सिस्टम ही है ना, सॉफ्टवेयर है, दिक्कत देता है, तो एक बार ना उसे बंद करके दोबारा ऑन करके देखो, शायद जल्दी हो जाए, है ना। और फिर भी ना हो तो आप कॉल सेंटर पर फोन कर सकते हैं, और फिर भी ना हो तो यहीं लिखना आगे, है ना, यहीं लिखना आगे कि नहीं चला फिर भी, है ना, फिर मैं देख लूंगा। जीईओ क्या है, यह है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, क्या है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये याद रखना। हाँ तो वो कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता, तो उसमें सिग्नल्स की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार ऐसा होता है कि जहां आप रह रहे हैं या जो सिग्नल है इंटरनेट जो है, कई बार इंटरनेट से होता है, कई बार इंटरनेट बिजी होता है, कई बार सर्वर बिजी होते हैं ना, तो उसमें जैसे भी नहीं चलता है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, है ना, तो ऐसा नहीं है, इतना वो नहीं करता उसमें। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है वो बताना, क्या बताना, सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सिप, ठीक है, ठीक। ऋतु प्राची, शालिनी मनोज पूर्वी, ठीक है ना। आप विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल इनमें से कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है सालार डी यू यूनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद तुमको ना पता हो। भारत का सबसे बड़ा है थार, सहारा है विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है नमक का मरुस्थल, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है नमक का मरुस्थल, तो यह याद रखना। आगे फिलिंदाब्लेंस भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी, जिसकी उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी, इनमें से कौन सी मेट्रो जो है वो भारत की पहली मेट्रो है और जिसका उद्घाटन जो है इंदिरा गांधी ने किया है, कौन सी मेट्रो है, ठीक। कल से क्लास भी नहीं देख पाए, ऐसा करो आप कॉल सेंटर पे कॉल करो और जो आपका नाम है वो मेरे को एक बार मेंशन कर दो, मैं देखवा लूंगा। जो तुमने अपना सिंधु सभ्यता वाला नाम है ना, इसके आगे अपना ओरिजिनल नाम जिससे तुम्हारा वो है उसे मेंशन कर दो, फिर मैं देखवा लेता हूँ, ठीक है, ठीक। आगे अच्छा, इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोलकाता मेट्रो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोलकाता मेट्रो, तो ये याद रखना। आगे इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रीय राजमार्गों की हम बात कर रहे हैं, नेशनल हाईवे की हम बात कर रहे हैं, है ना, उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे जो है इसके रखरखाव के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है, बताओ। ठीक,
बहुत अच्छे। हाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन इसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार है, कौन इसका रख रखाव करता है, ये करता है केंद्र सरकार। कौन ये करती है? केंद्र सरकार, ठीक है ये याद रखना। अमृता आगे, संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया? जो संयुक्त राष्ट्र नाम है ये गढ़ा गया कब, कब ये असंज्ञान में आया, कब इसके बारे में बताया गया था, ठीक है बहुत अच्छे। किंग, कुलदीप, वैष्णवी, पूर्वी, दीप, प्रियंका, योगेश, आकाश, अजय, चिराग, आदिवासी, ठीक है हाँ ठीक। अरे तो है तो केंद्र सरकार से ही ना, कहां से? केंद्र सरकार से। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1942। क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1942। देख लीजिएगा सर, हाँ देख लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, देख लूंगा मैं उसे। आगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था? अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन इंप्लीमेंटेड? बताओ जरा, ये जो जीएसटी है ये कब इंप्लीमेंट किया गया था, बताओ जरा कब किया गया था, ठीक। बयालीस या तैतालीस है, कहाँ? अच्छा 42 या 43 वैसा कह रहे हो, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर यूएन डे की बात करें, जैसे एक डे बनाते हैं ना यूएन डे, यूएन डे जो है ये कब मनाया जाता है, जो यूएन डे है ये कब मनाया जाता है, जो यूएन डे है ये कब मनाया जाता है वो आपको बताना। 105, 122, 101 और 103 है ना, इनमें बताना भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जीएसटी लागू किया गया था। जो जीएसटी है ये लागू किया गया था इनमें से कौन से एक संविधान संशोधन के द्वारा? तो जो जीएसटी है ये लागू किया गया था आपका 101 के द्वारा। किसके? 101 आर्टिकल 101 के द्वारा। आगे, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? भारत के संबंध में इनमें से कौन सा एक युग्म है जो सही है? ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित श्रेणी में है यानी वल्नरेबल, निकोबारी कबूतर लुप्त प्राय यानी इंडेंजर्ड, काला हिरण दुर्लभ यानी रेयर, और एशियाई हाथी स्थानिक यानी कि एंडेमिक, इनमें से कौन सी एक श्रेणी है जो सही है, जो सही है वो आपको बताना। बताओ जरा कौन सी एक सही है? ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित, काला हिरण दुर्लभ, निकोबारी कबूतर और एशियाई स्थानिक। क्वेश्चन है आपका 14वां, ठीक है हाँ। 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले लो, है ना। हाँ क्या हो जाएगा इसके लिए? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका ग्रेट हॉर्नबिल और असुरक्षित है। हॉर्नबिल से याद आया, एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है एक, आपको बताना है कहां पर, है ना, और कब से कब तक, कितने दिन का है, कब से कब तक मनाया जाता है, कितने दिन का है? और हॉर्नबिल जो है ये एक स्टेट बर्ड है, किन किन राज्यों का स्टेट बर्ड है जरा बताना। हॉर्नबिल जो है ये किन किन राज्यों का स्टेट बर्ड है वो आपको बताना, बता रहा हूं किन किन राज्यों का स्टेट बर्ड है वो, है ना। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? केवीके सुंदरम, सुकुमार सेन, जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन। हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इनमें से जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के पहले वो कौन है, बताओ जरा। ठीक, खुशी, संजय, नागालैंड का है 1 से 10 दिसंबर और हॉर्नबिल त्यौहार, ठीक है। अच्छा नागालैंड के अलावा किसी और राज्य का नहीं है क्या? 1 से 10 दिसंबर 10 दिन का है, ठीक है। नागालैंड के अलावा और किसी का स्टेट बर्ड नहीं है क्या? ये नागालैंड के अलावा किसका है? नागालैंड का तो है ही, इसके अलावा और कौन सा राज्य है जिसने इसे अपना राजकीय पक्षी घोषित किया है, बताओ जरा। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुकुमार सेन, ये याद रखना। अच्छा एक बात बताओ, निर्वाचन आयुक्त है तो ये एक बात बताओ, निर्वाचन आयोग जो है ये किस आर्टिकल में, निर्वाचन आयोग जो है ये किस आर्टिकल में है ये आपको बताना, ठीक।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 324। और याद रखिएगा ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? इनमें से कौन सा एक वृक्षारोपण है जो क्या करता है, जो मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने में मदद करता है? किस प्रकार का? सेल्टर बेल्ट, समोच्च कृषि जुताई, कृषि वानिकी और पट्टीदार खेती। किस प्रकार का वृक्षारोपण जो है वो रेगिस्तान रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? मुझे तो आंसर दे ही क्या, मतलब क्या सिंधु सभ्यता में लिखते हो तुम लोग, ठीक है, ठीक, बढ़िया, अच्छा बताओ। एक आदमी लिख रहा है कि मैं तो आंसर देके भी क्या ही फायदा, मैं तो ब्लॉग हूँ, बताओ। चलो ये भी बात भी सही है ना। इनमें से क्या हो जाएगा सही जवाब? तो याद रखिएगा इनमें से सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि सेल्टर बेल्ट। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि सेल्टर बेल्ट। तो ये याद रखना। अच्छा, सेल्टर बेल्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये रेगिस्तान है, ठीक है, जैसे इस हिस्से में क्या है, इस हिस्से में है आपका रेगिस्तान, ठीक है, क्या है, इस हिस्से में रेगिस्तान है और ये इस ओर बढ़ रहा है, तो यहां पर इस तरह इसमें अगर जो है आपका पट्टी लगाई जाए, क्या किया जाए, इसमें अगर पट्टी लगाई जाए यहां, ठीक है, क्या किया जाए, यहां अगर पट्टी लगाई जाए किसकी, पेड़ों की, मतलब पेड़ यहां पर लगाए जाए, है ना, तो इससे ये जो मृदा अपरदन है इसको इस ओर बढ़ने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इसी को बोलते हैं सेल्टर बेल्ट, ठीक है। बाइनरी प्रणाली में एक किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? जो बाइनरी प्रणाली है इसमें जो एक किलोबाइट है ये किस बाइट के बराबर होता है, कितने बाइट के बराबर होता है, ये पूछ रहा है, कितने बाइट के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ध्यान नहीं दिया था, नाम नहीं पढ़ा था। बाइनरी प्रणाली में एक किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? तो अगर मैं बात करूं एक केबी बराबर कितने बाइट है, तो ये हो जाएगा 1024। एक केबी बराबर 1024 बाइट, ठीक है, एक केबी बराबर 1024 बाइट, तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक बाइट बराबर कितने बिट है? अगर मैं बात करूं एक बाइट बराबर तो कितने बिट होंगे इसमें, और बिट की फुल फॉर्म क्या है, और जो बिट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और उसके खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? रोलेट एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम और विनियमन अधिनियम। अगर आपको नहीं भी पता ना और सन मालूम है, वर्ष पता है, गांधी जी कब लौट कर आए थे भारत? गांधी जी लौट कर आए थे 1915 में। गांधी जी लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915 में, ठीक है, यह याद रखना। और 1915 के बाद इन्होंने पहला आंदोलन किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में, ठीक है। दूसरा उन्होंने किया था आपका अहमदाबाद मिल, उसकी जो है उन्होंने बागडोर संभाली, तो खेड़ा, है ना, ये तीन थे। इसके बाद इन्होंने रोलेट एक्ट, जिसे हम बोलते हैं काला कानून, मतलब जिसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, उसपे उसका अपराध बताए बिना भी उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था, वही था आपका रोलेट एक्ट। क्या था? वही था आपका रोलेट एक्ट, वो आपको याद रखना, ठीक है। इसी समय एक आंदोलन और चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत मूवमेंट, जिसको समर्थन दिया था किसने? गांधी ने। जिसका समर्थन दिया था किसने? महात्मा गांधी द्वारा, जिसको समर्थन दिया गया था। महात्मा गांधी के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, तो याद रखना इन्हें बाद में उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम इन दोनों का क्या मिला? इन दोनों का समर्थन मिला, हिंदू और मुस्लिम इन दोनों का समर्थन इन्हें देखने को मिला था, तो यह याद रखना, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य जेबी कृपलानी, एससी बोस। आहूबाज द ओनली पर्सन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताओ जरा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति
एकमात्र व्यक्ति, इनमें से कौन एक रहा है? अच्छा, इनमें से कौन रहा है, इन चार में से कौन है जो अध्यक्ष पद पर रहा है? सबसे कम उम्र का व्यक्ति था और सबसे लंबे समय तक रहा था। ठीक है ना, बताओ जरा क्या हो जाएगा। बढ़िया, हाँ ठीक, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कौन? हाँ, एक बात और याद रखिएगा, 1942 में ये बने थे और 1946 तक ये कांग्रेस के पद पर रहे थे। 1942 में बने थे, 1946 तक जो है ये इस पद पर रहे थे। साथ में आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र के थे, सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा याद रखिएगा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, इंडिया मींस फ्रीडम। क्या लिखी थी? इंडिया मींस फ्रीडम। क्या लिखी थी? इंडिया मींस फ्रीडम, इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो याद रखना। जेबी कृपलानी 1946 के बाद बने थे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है, भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, जब जो है भारत आजाद हुआ था, जब भारत आजाद हुआ था उस समय कौन थे? ठीक, बताओ। सौरभ, अमृता, आकाश भोरा, रीत, एन के, नायरा, नूतन, किरण, नीलेश, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था? इनमें से कौन है जिसने दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था? बताओ जरा किसने किया था। अभी ठीक, सालिनी, बहुत अच्छे। इनमें से किसने जो है दिल्ली की सल्तनत पर राज किया था? गुलाम सैयद खिलजी गौरी। हु अमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत? नहीं किया था, यह पूछ रहा है, नहीं किया था, किया था नहीं पूछा, बल्कि नहीं किया था। इनमें से कौन नहीं रहा था वो बताना, ठीक है। हाँ अच्छा, क्या हो जाएगा? देखो, गुलाम वंश पहला था जिसने सल्तनत पर शुरू की थी, ठीक है। गुलाम के बाद आए थे खिलजी, खिलजी के बाद आए थे तुगलक, तुगलक के बाद थे सैयद, सैयद के बाद थे लोदी। गौरी वंश ने इस पर शासन नहीं किया, जो गौरी वंश है उसने इस पर शासन नहीं किया है। गौरी शासन करना चाहता था लेकिन तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। गौरी जब चाहता था, क्योंकि जब इसका गौर प्रदेश जब इसके हाथ से निकला तो यह चाहता था कि क्यों ना भारत पर राज किया जाए या उसे अपना बेस बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि तब तक इसकी मौत हो गई थी। आगे अच्छा देखो, SSC GD 2023 के लिए इस बार SSC मेकर जो परिवार है ना, उसने SSC GD का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया, मतलब सुपर जिसे बोलते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। जो बच्चे कहते हैं ना कि जो बिल्कुल नीचे तबके के बच्चे थे ना, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में बुरी थी, या बुरी थी नहीं, मैंने कहूँगा वो तो आदमी का सामर्थ्य अपना वो उसे सुधार लेता ही है, तो उसमें दिक्कत है नहीं। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों ने मेहनत की है ना, जिन बच्चों ने मेहनत की है, वाकई मेहनत की है, उन सारे बच्चों का GD में इस बार सिलेक्शन हुआ। अगर आपको एक वीडियो के सेक्शन में जाओगे ना आप, तो अजय सर जो इंटरव्यू ले रहे हैं उन बच्चों को एक बार देखो, देखो उन्होंने कहाँ से मेहनत की और कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे हैं, इस वीडियो के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, एक बार जाके देखो। और उसी के लिए फौजी बैच दोबारा से SSC मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है नए सिरे से कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, सेक्शनल फैकल्टी और डाउट सेशन मिलेंगे। 250 का ये बैच है ना, कंप्लीट बैच है। जिन बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हो पाया या जिनका रह गया है, वो बच्चे इससे जुड़े या जो इस बार पहली बार दे रहे हैं, वो बच्चे इससे जरूर जुड़े, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये याद रखना। बात इसकी नहीं है, बात है ज्यादा से ज्यादा की, ठीक है, या बात इसकी है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत किन बच्चों ने की है, उनकी बात है, ठीक है। निम्न में से किसे अल्फा अल्फा के रूप में जानते हैं? सटिबा, मेमेल, मछली या जीवात्म? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्फा अल्फा? अल्फा अल्फा बेसिकली एक घास है। क्या है? अल्फा अल्फा बेसिकली एक घास है। अब इनमें से क्या है वो आपको बताना है, ठीक, बहुत अच्छे, हाँ बढ़िया, ठीक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए यानी कि सटिबा। क्या हो जाएगा?
यह हो जाएगा आपका ए यानी कि सटिबा, तो यह याद रखिएगा। आगे, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? भारत और नेपाल के बीच इनमें से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है वो पूछ रहा है। सिकांगू, सीनो, कुरिल और कालापानी। भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है, भारत और नेपाल के बीच जो विवाद है वो देखो, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की ना, बात है कि कौन, देखो कई बच्चे ऐसे हैं जो बाकी में थे जो एक या दो नंबर से रह गए, बाकी में दुख की बात है ना, या उन्होंने एग्जाम के टाइम पे गलती की होगी, क्लास जब कर रहे होंगे उस टाइम गलती की होगी, रिवीजन थोड़ा कम किया होगा, यह दिक्कत थोड़ी सी रही होगी, ठीक है। पर यह है कि जैसे कई बच्चे हैं जो, मैं कहूँ ना, उससे बेहतर ये है कि एक बार वीडियो सेक्शन खोलो, वहाँ पर अजय सर ने इंटरव्यू डाले, उन बच्चों को देखो, उनसे बात करो, उन्हें देखकर लगेगा कि हाँ, कि हम भी कर सकते हैं। जब वो बच्चे मेहनत करके कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, एकदम बेसिक। बहुत से बच्चों को रीजनिंग नहीं आती थी, बहुत से मैथ नहीं आती थी, पर वो बच्चे भी कर ले गए, और कर ही नहीं ले गए बल्कि सिलेक्शन भी लेके चले गए, है ना। बात वो है, भारत और नेपाल के बीच इनमें से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? सिकांगू, कुरिल, सीनो और काला पानी। यह चल रहा है काला पानी पर। कहां पर यह चल रहा है? काला पानी पर, यह याद रखना, ठीक। किस पर चल रहा है? काला पानी पर विवाद चल रहा है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है? पूर्णकालिक मतलब जो पूरे एक कार्यकाल रही है, मतलब 5 साल जो लगभग रही है, पूर्णकालिक पहली महिला रक्षा मंत्री इनमें से कौन है, ठीक है। ये होगा स्मृति, होना चाहिए स्मृति ईरानी, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज और निर्मला सीतारमण। इनमें से कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, ये आपको बताना। क्वेश्चन आपका 23, क्या है क्वेश्चन जो है, ये है आपका 23। इनमें से कौन एक महिला है, मतलब रक्षा मंत्री है, जो क्या है, जो आपका पूर्णकालिक मतलब महिला रक्षा मंत्री रही है, मतलब पूरे एक समय तक रही है, ठीक। पूर्वी, कृष्णन, अमरेश, ट्विंकल, अमित, पम्मी, मनोज, क्या हो जाएगा ये? तो ये याद रखिएगा, निर्मला सीतारमण। वर्तमान में ये कौन सी मंत्री है? वर्तमान में इनमें से कौन सी मंत्री है, ये आपको बताना। भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती? इनमें से कौन सा एक है जिसको पद से अगर हटाना है, जिसको क्या करना है, जिसको अगर पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं है? भारत के मुख्यमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इन इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट डज नॉट अप्लाई टू द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या लगता है किसके लिए महाभियोग की आवश्यकता है ही नहीं, है ना, बताओ, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव की जरूरत है, है ना, ठीक। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सी यानी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक है जब तक कि, कब तक है, जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। कब तक? जब तक उसे लोकसभा में क्या है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। अगर वो अपना बहुमत छोड़ देता है, या मतलब उसका बहुमत, उसे मतलब बहुमत नहीं रहता उसका, तो याद रखना उसे मतलब वो सरकार गिर जाती है। जब सरकार गिर जाती है तो पीएम ही नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और, बहुमत सिद्ध करने का एक तो सरकार अपनी तरफ से सिद्ध कर सकती है, दूसरा यह है जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। क्या है? जो विपक्ष है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में यह है कि जब वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो जो सरकार होगी उसे अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। अगर वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। अगर वह अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती तो क्या होगा, तो सरकार गिर जाएगी, तो यह याद रखना। आगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। विच टाइप ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें से किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, किस तरह के न्याय की बात वो नहीं करता, यह आपको बताना, ठीक है। हाँ, और क्लास को लाइक कर देना, है ना, वो जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए यानी कि लोकतांत्रिक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए यानी कि लोकतांत्रिक। इसका जिक्र नहीं है। आर्थिक का है, राजनीतिक का है, सामाजिक का है। आर्थिक का है, राजनीतिक का है और सामाजिक का है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है,
आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है? सहायक नदी समझ रहे हो, जैसे ये एक मेन नदी है और इससे आकर मिलने वाली जो अन्य नदियां हैं ये इसकी क्या है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है? ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो सोन, गोमती, यमुना और इंद्रावती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? यमुना है, कहां पर मिलती है यमुना? गंगा से कहां पर मिलती है वो आपको बताना, ठीक है? यमुना है, कौन सी नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है। कौन सी नहीं है? ये इंद्रावती जो है ये नहीं है, ये याद रखना, ठीक है? कौन सी नहीं है? इंद्रावती नहीं है, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इनमें से कौन सा एक राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम, मेघालय। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश? त्रिपुरा, मणिपुर, आसाम और मेघालय। क्वेश्चन आपका 27, ठीक, बताओ। त्रिपुरा, मणिपुर, असम और मेघालय जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। बांग्लादेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इंद्रावती गोदावरी की है। इंद्रावती जो है वो गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की, ठीक है। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सा सीमा साझा नहीं कर सकता, त्रिपुरा करता है, मणिपुर नहीं करता। क्या नहीं करता? मणिपुर। अच्छा, मणिपुर बांग्लादेश के नहीं साथ नहीं करता या नहीं करता, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन किसके साथ करता है? अगर बांग्लादेश के साथ नहीं करता तो किसके साथ करता है वो बताओ, ठीक। आगे, इनमें से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा एक है जो मध्य प्रदेश राज्य में नहीं है? अगर आज सुबह की क्लास में होगे ना तो इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे। अगर सुबह की क्लास में, आज सुबह की क्लास में अगर आप हुए, आज सुबह की क्लास जो मैंने कराई थी उसमें अगर आप हुए तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाओगे, ठीक है। जंजीरा का किला, ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का या सीरगढ़ का? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा एक स्टेट नहीं है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक। बहुत अच्छे, दीपशिका, पिंकू, सौरभ, रूहू, उमेश, अमित, आकाश, अभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? जंजीरा का किला। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। कहां है? ये है महाराष्ट्र में, अरब सागर के तट पर है ये, महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर। कहां पर? महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पर, ठीक है, वो याद रखना। अच्छा, आगे, इस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र में है? एक नृत्य है जिसका नाम है इस्पाव, ये इनमें से किस एक राज्य में है? अलीगढ़ असीरगढ़ जांजीरा है वो, हाँ सही, बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि लद्दाख। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी यानी कि लद्दाख। तो ये याद रखना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है, कंसंट्रेशन कितना? द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इन इज अबाउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा वायुमंडल में कितनी है वो बताना, बताओ जरा कितनी है। राहुल पंडित, ठीक। अनुराग, ठीक। सिंपल बॉय, चलो ठीक है, जलेबी की तरह सीधे हो गए तुम बिल्कुल। शिवांगी, ठीक है। अर्नब, शादाब, ठीक है। सर टुमारो फौजी बैच से जुड़ा बत रुतो एक मिनट क्या तेरा तारे और रुक दाओ एक मिनट। सर टुमारो फौजी बैच से जुड़ा मोदी तैयार बंद था रहा है त्यातरे। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, लॉन्च हुआ है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जब स्टार्ट हो जाएगा ना तब आपको वहाँ डेटा दिखाने लगेगा। अभी जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी लॉन्च हुआ है, आप जुड़ गए तो जैसे ही उस पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना, आपको मैसेज आएगा। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा 0.03। क्या हो जाएगा? 0.03, ठीक। आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था? किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया था? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश,
उड़ीसा और मेघालय। क्वेश्चन आपका 31। ठीक, पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव, देखो हॉर्नबिल उत्सव है, आगे पक्के पगा भी लिखा है, ठीक है, तो सोच समझ के जवाब देना। ऐसा मत करना हॉर्नबिल लिख दो तो फिर सीधे नागालैंड मारो और पता चले इसमें नागालैंड है भी नहीं। देखो जैसे मैंने आपको 148-149 मंत्र बताया था ना एमटीएस के लिए, तो अगर आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हो और नहीं भी जा रहे हो, किसी और एग्जाम का देने जा रहे हो या उत्तर प्रदेश का ही दोगे, तो पक्के पगा ये जरूर याद रखना, ठीक है। हॉर्नबिल उत्सव हो तो अलग है और पक्के पगा के साथ हो तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश ये हो जाता है, ये याद रखना। क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश। आगे, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है एक प्रस्तावित है न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र, पावन इसे बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यह सेटअप किया जा रहा है, प्रस्ताव है इसका कि सेटअप किया जाएगा, इनमें से कहां पर, मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सी जगह पर? बैतूल, मांडवा, खांडवा, नीमच, इनमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विल बी प्रपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बी सेटअप, बताओ। बहुत अच्छे, हाँ, कहां पर, कौन सी जगह है? यह जगह है मांडला। इसी तरह से हरियाणा में भी प्रस्तावित है, इसी तरह से कहां पर, हरियाणा में भी प्रस्तावित है, और हरियाणा में जो प्रस्तावित है वो जगह कौन सी है? हरियाणा में जहां पर यह प्रस्तावित है वो है आपका गोरखपुर। हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर, वहां पर प्रस्तावित है। एक गोरखपुर यूपी में भी है ना, एक गोरखपुर यूपी में भी है, तो वो याद रखना, ठीक है। आगे देखो, एक अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना का निर्माण कराया गया? इनमें से कौन सी एक जगह है जहां, मतलब इनमें से कौन सा वह वर्ष है जब अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था? इनमें चार, इबादत खाना बाज बिल्ड बाई अकबर, 1575, 1679, 1675 और 1579, बताओ जरा कब इसने किया था, इसका निर्माण कब करवाया था इबादत खाना का, और इबादत खाना सभी के लिए खोल दिया गया था कब? इंडिया टॉस जीत गई है, हाँ धन्यवाद बताने के लिए, मैं सोच ही रहा था यार कौन जीतेगा। ठीक, हाँ प्रस्तावित अभी बना थोड़ी, घूम कैसे आए तुम, प्रस्तावित है वो वहां, बना थोड़ी अभी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1575, क्या हो जाएगा 1575, तो ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है, कौन है राइटर इसके? रघुराम राजन, चरण सिंह, अमिय कुमार बागची और अभिजीत बनर्जी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, क्या हो जाएगा 34। अरे मेरी राखी आई हुई है, मैं बांध नहीं पाया, मुझे बांधनी थी, हाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी यानी कि चरण सिंह। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी? भारतीय पूछा है, पहली महिला पूछा होता तब जवाब क्या होता, यहां पूछा है पहली भारतीय कौन है, अगर सिर्फ पहली महिला पूछा होता तब इसका जवाब क्या होता? रघुराम राजन नहीं है, चरण सिंह था उसका जवाब। ठीक, बढ़िया, विजयलक्ष्मी कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली, क्या बात कर रहे हो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। अगर फर्स्ट की बात करें तो ये है एनी बेसेंट, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला की बात करूं तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वो है जो गवर्नर रही है किसी भी स्टेट की पहली, किसी भी पहले स्टेट की गवर्नर जो है ये रही है, ये ठीक।
सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? जो सर विलियम जोन्स हैं, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की है? बेचियर डेट सर विलियम जोन्स फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इनमें से कब की गई है, किसके द्वारा की गई है वो आपको बताना है। मतलब किसके द्वारा? विलियम जोन्स ने की थी। की कब है? 1884, 1748, 1784 और 1848। कब की है वो बताओ। ठीक, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1784। आगे, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूरा रूप क्या है? डिवाइडेड नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम और डायनेमिक नेम सिस्टम। क्या लगता है क्या हो जाएगा? इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस? डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? सही, क्या नाम है इसका? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका डोमेन नेम सिस्टम। आप वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहां स्थित है? वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला जो आनुवांशिक बैंक है यह कहां स्थित है? कोचीन, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद। Where is India's first genetic bank for wildlife conservation located? पहला जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है ये लोकेटेड लोकेटेड है कौन सी एक जगह पर? आनुवांशिक बैंक है ये। क्या है? आनुवांशिक बैंक। कोचीन, हैदराबाद, बेंगलुरु या अहमदाबाद, कौन सी जगह है? हाँ, होती है, कराते हैं, बिल्कुल कराते हैं सर। हाँ बिल्कुल है। कौन सी जगह है ये? यहीं पर जो नेशनल पुलिस एकेडमी है ना, जो आईपीएस की ट्रेनिंग कराता है वो यहीं पर है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद अब राजधानी किसकी है? जो हैदराबाद है ये अब किसकी राजधानी है ये बताना। आगे, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ध्यान दो, भारतीय रेलवे द्वारा जो है एक वेब पोर्टल शुरू किया गया था जिसका नाम है रेल सहयोग वेब पोर्टल। क्या? रेल सहयोग वेब पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या? शिकायत का निवारण करना, ट्रेन के चलने की वास्तविक समय आधारित स्थिति बताना, टिकट में आरक्षण या मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेल सहयोग वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय इंडिया रेलवेज? ग्रीवेंस रिड्रेसल। अच्छा, वो शिकायत निवारण, रियल टाइम बेस्ड ट्रेन रनिंग स्टेटस, टिकट रिजर्वेशन और प्रोवाइडिंग बेसिक फैकल्टीज सच एज टॉयलेट, डस्टबिन्स ईटीसी। क्या लगता है क्या हो जाएगा? ठीक, तेलंगाना की है। ठीक है, इससे पहले किसकी थी? आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की अब राजधानी क्या है वो बताना। बताओ जरा क्या हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है जल्दी आ जाएगा। आना तो तय है आएगा तो है ही। इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा वो बताना। ये क्या है? ये हो जाएगा आपका मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराना। क्या है? मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराना, यह याद रखना। ठीक है, आगे, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश किया गया धन किस रूप में जाना जाता है? मतलब जो विदेशी हैं, जो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो भारत में जब इन्वेस्ट करती हैं, क्या करती है? जब वो भारत में इन्वेस्ट करती हैं, पैसा भारत में लगाती है, तो उसे किस नाम से जानते हैं? विदेशी संपार्श्विक यानी फॉरेन कोलेट्रल, प्रत्यक्ष निवेश डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी मौद्रिक निवेश फॉरेन मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टेड बाय फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज इज नोन एज, किस नाम से इसे जानते हैं वो बताना। किस नाम से इसे जाना जाता? उमेश राव।
पिंकी, मोनिका, ज्योति, देवांशु, सीमा, बहुत अच्छे, मुस्कान, रोहित, शिवम, टिक, सुरेंद्र, किस नाम से इसे जाना जाता है, है ना, क्या नाम है जिससे इसे जानते हैं? इसे कहते हैं हम FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं FDI, ठीक है। FMI कहाँ FMI है, ये नहीं बोलते, ऐसा थोड़ी है, FDI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष निवेश नहीं मालूम, जब बाहर आप विदेशी जब निवेश करते हैं हमारे यहाँ, उसे हम क्या बोलते हैं? FDI ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FDI, है ना, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, समझाया। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक कम करते हो आप लोग, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। और याद रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं एक बार और कह रहा हूँ, SSC मेकर परिवार का इस बार का GD का रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, है ना, और उसी के लिए हम दोबारा से फौजी बैच लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें जो है लगभग SSC मेकर ने हज़ारों सेलेक्शन इस बार दिए हैं। 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, फैकल्टी डाउट सेशन मिलेंगे, सारी क्लासेस एकदम बेसिक से होंगी। SSC मेकर ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। SSC मेकर ऐप डाउनलोड आप जरूर कीजिए आपके प्ले स्टोर से। ये नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप वैलिडिटी इसकी 1 साल है, ये भी आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया गया है, ठीक है। सिपाही बैच है आपका UP पुलिस के लिए, महावीर बैच है आपका बिहार पुलिस के लिए, राजधानी बैच है दिल्ली पुलिस के लिए, और शक्ति बैच है आपका CPO SI के लिए, ठीक है। साथ में याद रखिएगा, मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आपने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, तो इस क्लास के साथ जुड़िएगा। यह कुछ लिंक है, जैसे ये है आपका ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके, प्ले स्टोर पर जाके, या जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ईबुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जरूरी है, ठीक है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है आपको यही प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और ये है आपके अपने परिवार SSC मेकर के YouTube चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए। जब तक आप उसे लेकर नहीं बैठेंगे, जब तक आप क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है, जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है उन क्वेश्चंस का, कोई मतलब नहीं है आपका 1 घंटा देने का। तो क्वेश्चंस को लिखिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्लास के एक तुरंत बाद एक बार उसको रिवाइज करना जरूरी है कीजिए, जब करोगे तभी बात बनेगी, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।